तो अपन देखें इमेज का अगर पाथ देना हो तो किस तरह से देंगे। ये इमेज आइकन IC1 इक्वल टू न्यू इमेज आइकन 1.gif दिया है, इसके पहले पाथ देंगे। सी कॉलन इमेजेस फोल्डर या जो भी फोल्डर है आपका उसमें 1.gif स्लैश ये वाले ही लगाने हैं। अगर आप ये लगाते हो तो दो लगाने पड़ेंगे क्योंकि बैक स्लैश से एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट होती है। तो यहाँ तो आप बैक स्लैश लगाओगे तो दो लगाओगे, और नहीं तो फिर आप ये स्लैश लगाओगे। सी ड्राइव में इमेजेस फोल्डर में 1.gif, आपको ये इमेजेस के लिए अलग से फोल्डर बनाना है। इसको किसी जावा वाले फोल्डर में, JDK वाले फोल्डर में कॉपी नहीं करना है इन इमेजेस को, जैसा कि एक दो स्टूडेंट कर रहे थे। आपको इमेजेस को या तो करेंट फोल्डर में कॉपी कर लो या कोई और फोल्डर बना लो उसमें कॉपी कर लो। उसका पाथ आपको यहाँ देना है, इस तरीके से देते हैं पाथ। सी ड्राइव में इमेजेस फोल्डर में 1.gif, ऐसे ही किसी और फोल्डर में हो सी ड्राइव में पिक्स फोल्डर में 2.gif, इस तरह से पाथ दिया जाता है। अब अपने को इवेंट हैंडलिंग करनी है कि बटन के क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम में दो बटन्स हैं, बटन्स के क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम में अपन ने एक नया पैकेज इंपोर्ट किया है, java.awt.event। java.awt पैकेज होता है, उसके अंदर इवेंट नाम का एक सब पैकेज होता है। तो पैकेज को अलग इंपोर्ट करना पड़ता है, सब पैकेज को अलग। इस इवेंट पैकेज के अंदर मैंने लिखा इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। तो मतलब मैंने एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है इसके अंदर। एक्शन लिसनर एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है जो java.awt.event पैकेज के अंदर होता है। एक्शन लिसनर मैंने लिखा है, एक्शन लिसनर एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है। अगर आप चाहते हो कि बटन के क्लिक पे कुछ कोड एग्जीक्यूट हो तो उसके लिए अपने को एक्शन लिसनर इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ता है। एक्शन लिसनर इंटरफेस java.awt.event पैकेज के अंदर है, इसलिए अपन ने उस पैकेज को इंपोर्ट किया है। अब इंटरफेस जब अपन ने पहले किए थे तब मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस का मेन यूज ग्राफिकल में इवेंट हैंडलिंग में आएगा, तो वो अपन डिस्कस करें। तो एक्शन लिसनर एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है। अपन ने पढ़ा था कि इंटरफेस में जो मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, तो ये प्री डिफाइंड इंटरफेस है तो इसके अंदर पहले से कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, तो उस मेथड को अपने को इस क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा। इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको अपने को क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा। तो इस इंटरफेस में कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो देखें अपन। इस इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका नाम है एक्शन परफॉर्म। ये एक्शन लिसनर इंटरफेस के अंदर एक प्री डिफाइंड मेथड है एक्शन परफॉर्म, ये आपको इस क्लास में बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो कंपाइल टाइम एरर आए। एक्शन परफॉर्म्ड ए लोअर केस में है और पी अपर केस में है। इस मेथड का एक आर्ग्यूमेंट होता है एक्शन इवेंट टाइप का वेरिएबल ई। तो ये मेथड अगर आपने एक्शन लिसनर इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है तो ये मेथड बनाना कंपलसरी है, और सारे बटन्स की कोडिंग इस मेथड के अंदर की जाएगी। अभी तो अपने प्रोग्राम में दो ही बटन है तो उन दोनों की कोडिंग इस मेथड में की जाएगी। अब इसका जो आर्ग्यूमेंट है ई, उसका यूज करके इवेंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है। जैसे अभी तो ये एक्शन इवेंट है, आगे अपन माउस इवेंट भी करेंगे, तो माउस इवेंट के केस में कौन से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे माउस है, या यूजर ने राइट बटन प्रेस किया है लेफ्ट बटन प्रेस किया है, तो जो भी इवेंट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन इस वेरिएबल में आती है। तो अभी जब अपन बटन वन पे क्लिक करेंगे तो इस ई नाम के वेरिएबल में कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, बटन टू पे क्लिक करेंगे तो भी कुछ इंफॉर्मेशन आएगी। अब उस इंफॉर्मेशन का फर्स्ट यूज अपन कैसे करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया इस एक्शन परफॉर्म्ड में
सारे बटन्स की कोडिंग आएगी तो कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी। कैसे? इफ ई डॉट गेट सोर्स, मतलब इवेंट का सोर्स अगर बटन वन है तो क्या वर्क करना है वो अपन यहां लिखेंगे। एल्स इफ इवेंट का सोर्स अगर बटन टू है तो क्या वर्क करना है वो अपन यहां लिखेंगे। इसका मतलब एक्शन परफॉर्म्ड मेथड आप बनाओगे, उसका एक आर्ग्यूमेंट होगा जिसका डेटा टाइप है एक्शन इवेंट। एक्शन इवेंट एक प्रीडिफाइंड क्लास है java.awt.event पैकेज के अंदर। इस क्लास के अंदर भी मेथड्स होते हैं जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहला मेथड है गेट सोर्स। गेट सोर्स का यूज करके ये पता लगाया जाता है कि जो भी इवेंट हुआ है वो कौन से बटन पे क्लिक करने की वजह से हुआ है। अगर बटन का गेट सोर्स btn1 है इस इवेंट का तो क्या वर्क होना चाहिए वो यहाँ लिखेंगे। अगर btn2 है तो क्या वर्क होना चाहिए वो यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही अगर और बटन होते तो else if बटन e.getSource btn3 है तो क्या हो, 4 है तो क्या हो के अंदर एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। एक्शन लिसनर एक प्रीडिफाइंड इंटरफेस है जो java.awt.event पैकेज के अंदर होता है। इस एक्शन लिसनर इंटरफेस के अंदर एक मेथड होता है एक्शन परफॉर्म्ड जो अपने को बनाना कंपलसरी है क्योंकि ये एक्शन लिसनर इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ये नहीं बनाएंगे अपन इस क्लास में तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। इस मेथड के अंदर अपन कोडिंग लिखेंगे सारे बटन्स। अब कुछ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, सारे बटन्स की कोडिंग इसमें आएगी तो कैसे पता लगेगा कि कौन से बटन की कोडिंग लिखी जा रही है। उसके लिए एक्शन इवेंट क्लास के अंदर का फंक्शन अपन ने गेट सोर्स यूज किया जो रिटर्न करता है कि कौन से ऑब्जेक्ट की वजह से इवेंट हुआ है। तो मैंने उसको कंपेयर किया equal to btn1, मतलब यूजर ने btn1 पे क्लिक किया मतलब शो, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से अगर यूजर ने btn2 पे क्लिक किया है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। btn1 है शो और btn2 है क्लोज। ये मैंने इस प्रोग्राम को रन किया जावा स्विंग 4 लिख के। यहां पे मैंने नंबर में दिया 7। शो पे क्लिक करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 डिस्प्ले हो गया नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में। अगर मैं वापस 7 की जगह लिखता हूं 30 और शो पे क्लिक करूंगा तो नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में उसका स्क्वायर 900 आ गया। इसका मतलब मुझे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने जो भी लिखा है उसको गेट करना है, फिर उसका स्क्वायर करके सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में उसको सेट करना है। जब मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा तो ये विंडो क्लोज हो जानी चाहिए, तो मैंने यहाँ क्लोज पे क्लिक किया तो विंडो क्लोज हो गई। इसकी कोडिंग समझें, मुझे क्या करना है, txt1 के अंदर जो भी यूजर ने टाइप किया उसको गेट करना है। तो जे टेक्स्ट फील्ड का मेथड होता है गेट टेक्स्ट जो रिटर्न करता है जो भी यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया। अब मुझे उसके साथ में कुछ कैलकुलेशंस करने हैं तो मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके नम में असाइन कर दिया। तो यूजर ने जो भी फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया है वो नम में आ जाएगा। फिर num into num को मैंने किसमें असाइन कर दिया, स्क्वायर, स्क्वायर नाम के वेरिएबल। अब txt2 के अंदर मुझे स्क्वायर को सेट करना है तो मैं txt2.setText और स्क्वायर दे दूं। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे इसको स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट किया है, अगर मैं चाहूं तो सेट टेक्स्ट को सीधे स्क्वायर पास कर दूं तो स्क्वायर वेरिएबल की वैल्यू txt2 में सेट हो जानी चाहिए। लेकिन सेट टेक्स्ट का आर्ग्यूमेंट होता है स्ट्रिंग टाइप का, उसको आप इंटीजर पास नहीं कर सकते। सेट टेक्स्ट एक प्रीडिफाइंड मेथड है, जैसे गेट टेक्स्ट भी प्रीडिफाइंड मेथड है। गेट टेक्स्ट का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है,
तो अपने को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही सेट टेक्स्ट का आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो उसको अपन इंट पास नहीं कर सकते, उसको स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा। तो इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए अपन स्ट्रिंग क्लास का वैल्यू ऑफ मेथड पहले भी यूज कर चुके हैं, तो वही मैंने यहाँ यूज किया। यूजर ने जो भी नम में पास किया है, नम जो भी यूजर ने फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया है वो पहले नम में आएगा, फिर उसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर में आ जाएगा, फिर उसके बाद उसको मुझे TXT2 में डिस्प्ले करना है, तो TXT2.setTextSquare, लेकिन स्क्वायर को अपने को स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेट टेक्स्ट का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। इसी तरह से बटन 2 पे अगर यूजर ने क्लिक किया है, मतलब क्लोज पे, तो विंडो क्लोज हो जानी चाहिए, प्रोग्राम एंड होना जाना चाहिए। उसके लिए सिस्टम क्लास में मेथड होता है एग्जिट, जिसको मैंने यहाँ पे 0 पास किया है। तो प्रोग्राम को अगर आपको एंड करना हो तो एग्जिट मेथड जैसे सी में होता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम क्लास में होता है इसलिए आपको system.exit लिखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना होता है, बटन्स के क्लिक करने पे एक्शन इवेंट होना चाहिए, तो बटन के साथ में अपने को एक्शन लिसनर ऐड करना होता है। btn1.addActionListenerThis, btn2.addActionListenerThis। इसका मतलब दोनों बटन्स के साथ में आपको एक्शन लिसनर ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं ये वाली लाइंस नहीं लिखूंगा तो एक्शन परफॉर्म के अंदर की कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आपने बटन्स के साथ में एक्शन लिसनर को ऐड किया है तभी बटन पे क्लिक करने पे एक्शन परफॉर्म की कोडिंग होगी एग्जीक्यूट, वरना कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इवेंट हैंडलिंग के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। ये तो मैंने क्लास में इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया। उसके बाद दूसरा स्टेप है बटन्स के केस में, बटन्स के साथ में एक्शन लिसनर इंटरफेस को ऐड करना, button.addActionListener। और तीसरा स्टेप है एक्शन परफॉर्म्ड बनाना और उसमें बटन्स की कोडिंग करना। बटन के साथ में एक्शन लिसनर को एसोसिएट करने के लिए एक प्री डिफाइंड मेथड होता है addActionListener। तो बटन का नाम .addActionListener, पहले अपन ने लिखा button1.addActionListener, फिर button2.addActionListener। इस समझे addActionListener मेथड को अपने को ऐसा ऑब्जेक्ट पास करना होता है जो एक्शन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा हो। तो दिस अपन ने काफी पहले पढ़ा था, दिस का मतलब क्या होता है, करेंट ऑब्जेक्ट, करेंट ऑब्जेक्ट जिसने फंक्शन को कॉल किया है। तो ये जो फंक्शन है ये कोडिंग अपन ने कंस्ट्रक्टर में लिखी है, तो इसको जिसने कॉल किया है दिस उसको रेफर करेगा। इसको किसने कॉल किया है, मेन से कॉल किया गया है। तो ये कॉल करने का रीजन क्या है, ये स्विंग 4 क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है K का डेटा टाइप क्या है, स्विंग 4 क्लास जो है वो एक्शन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। तो दिस अपन तभी लिख सकते हैं जब अपन ने इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर लिखा हो। अगर मैं बिना इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर लिखे नीचे दिस लिखूंगा तो एरर आएगा। तो इसका मतलब दिस किसको रेफर करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो ये फंक्शन कौन सा है, पब्लिक स्विंग 4, इसको यहां से कॉल किया गया है। ये क्यों कॉल हुआ है, क्योंकि मैंने स्विंग 4 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। स्विंग 4 क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है
उस स्विंग फोर क्लास की पेरेंट क्लास तो है जे फ्रेम, और स्विंग फोर क्लास ने एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। दिस की जगह अपन कुछ और भी लिख सकते हैं जो अपन आगे करेंगे अभी कुछ प्रोग्राम्स के लिए, तो आपको दिस ही पास करना है। और दिस आप तभी पास कर सकते हो जब आपने एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट किया हुआ हो। अगर मान लो मैं एक्शन परफॉर्म नहीं बनाऊं तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, एक्शन परफॉर्म तो बनाना कंपलसरी। अगर मैं बटन्स के साथ में एक्शन लिसनर को ऐड नहीं करूं, मान लो ये दोनों लाइन नहीं लिखूं मैं, तो एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि मैंने बटन्स के साथ में एक्शन लिसनर को ऐड नहीं किया है। अगर मैं BTN 1 वाली लाइन तो लिख दूं लेकिन ये BTN 2 वाली लाइन नहीं लिखूं, तो अब BTN 1 के साथ में मैंने एक्शन लिसनर को ऐड किया हुआ है, तो जब अपन BTN 1 पे क्लिक करेंगे तो BTN 1 की कोडिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन BTN 2 के साथ में एक्शन लिसनर को ऐड नहीं किया है तो BTN 2 पे क्लिक करने पे कुछ भी वर्क नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने प्रोग्राम में 10 बटन बना दूं और सबकी कोडिंग एक्शन परफॉर्म्ड में लिख दूं, लेकिन अगर मैं एक्शन लिसनर उन 10 में से 4 के साथ में ऐड करूं तो सिर्फ 4 बटन्स की कोडिंग एग्जीक्यूट होगी, बाकी 6 बटन्स की कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं होगी।